प्रिय विद्यार्थियों, DSS ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग दो के पाठ आठ शाम एक किसान कविता के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन के बारे में अर्थात उनका जीवन परिचय और कविता के सारांश अर्थात उसके संक्षिप्त रूप को जाना था। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी नदी चादर से पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो सबसे पहले इस कविता में हम कठिन शब्दों को जानेंगे। साफा, साफा का अर्थ होता है बेटा पगड़ी। पगड़ी अर्थात सिर पर बांधने वाली पगड़ी, जिसको हम लोग साफा कहते हैं। चिलम, चिलम का अर्थ होता है बेटा हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, जिसमें तंबाकू रखकर आग क्या की जाती है, भरी जाती है। चादर सी, चादर सी का अर्थ होता है चादर के समान। दहक रही है अर्थात जल रही है। दहकना का अर्थ होता है सुलगना या जलना। पलाश, पलाश का अर्थ होता है एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। अंगीठी, अंगीठी का अर्थ होता है बेटा जिसमें आग जलाई जाती है। पूर्व, यहाँ पूर्व का अर्थ होता है पूरब दिशा। सिमटा, सिमटा का अर्थ होता है दुबकना। सिमटा का अर्थ होता है दुबकना या इकट्ठा होना। गल्लेसा, समूह या झुंड। तो आइए हम जानते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने हमें क्या बताया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपदानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा हुआ है। सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है। पास के पलाश के जंगलों को अंगीठी की तरह जल रही है। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। अब हम इस कविता के संदर्भ और प्रसंग को जानते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग दो के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान से लिया गया है। इस पद्यांश में उन्होंने शाम के दृश्य का एक किसान के रूप में वर्णन किया है। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि कवि ने इन पंक्तियों में जाड़े के शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है कि शाम के समय का वर्णन, जाड़े के शाम का वर्णन वो किसान के रूप में हमें बताया है। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शाम के प्राकृतिक दृश्य को एक बैठे हुए किसान के रूप में दिखाया है अर्थात वर्णन किया है। जिस तरह किसान अपने सिर पर एक ऊंची पगड़ी बांधे रहता है, उसी तरह पहाड़ ने भी आकाश को अपने सिर पर पगड़ी के रूप में बांधा हुआ है। पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज ऐसा लगता है जैसे किसान की चिलम में आग सुलग रही है। जैसे कि बेटा आप लोग को पता है कि सूर्य पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो जब वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो जैसे लगता है कि किसी ने किसान के चिलम, जो पहाड़ रूपी किसान है, कि उसके चिलम में किसी ने आग सुलगा दी हो। अर्थात डूबता हुआ सूरज किसान की चिलम में कोई आग सुलग रही हो। उसके बाद है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास ही दहक रही है। उसके बाद कवि कहते हैं कि पहाड़ के बीच में बहती हुई नदी ऐसी लगती है मानो किसी ने घुटनों के नीचे चादर ओढ़ी हुई है। कवि बता रहे हैं
कि वह जो पहाड़ रूपी किसान है तो जैसे लगता है कि वो क्योंकि उन्होंने शाम के ठंड के शाम का वर्णन किया है, तो उन्होंने कहा है कि उस किसान को ठंड लग रही है और उसने अपने घुटनों पर क्या किया है, चादर को ओढ़े हुआ है। तो वो कहते हैं कि पहाड़ के बीच में बहती हुई नदी ऐसी लगती है कि मानो किसी ने घुटनों के नीचे चादर ओढ़ी हुई है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर्व पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। उसके बाद वह कहते हैं कि पलाश जंगल में पलाश के लाल फूल इस प्रकार दिखाई देते हैं मानो कहीं दूर अंगीठी जल रही हो, क्योंकि जो पहाड़ के पास जंगल है वहाँ पे पलाश के वृक्ष हैं और पलाश के पेड़ों पर लाल रंग के फूल लगते हैं, तो वो लाल रंग के फूल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मालूम क्या हो रहा है, अंगीठी जल रहा हो। उसके बाद वो कहते हैं अंधकार दूर्व पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो वो कहते हैं कि दूर्व पूर्व दिशा में अंधेरा क्या हुआ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या हुआ, भेड़ इकट्ठे होकर दुबक कर बैठ गए हों और चारों तरफ क्या हो रहा है, चारों तरफ शांति छाई हुई है, चारों तरफ शांति बनी हुई है। एक बार फिर आप लोग इसकी व्याख्या को देख लें बेटा कि कवि ने हमें इसमें क्या बताया। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शाम के प्राकृतिक दृश्य को एक बैठे हुए किसान के रूप में दिखाया है, अर्थात वर्णन किया है। जिस तरह किसान अपने सिर पर एक ऊंची पगड़ी बांधे रहता है, उसी तरह पहाड़ ने भी आकाश को अपने सिर पर पगड़ी के रूप में बांधा हुआ है। पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज ऐसा लगता है जैसे किसान की चिलक में आग सुलग रही हो, अर्थात डूबता हुआ सूरज किसान की चिलंग में कोई आग सुलग रही हो। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लगती है मानो किसी ने घुटनों के नीचे चादर ओढ़ी हुई है। जंगल में पलाश के लाल फूल ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि मानो कहीं दूर अंगीठी जल रही हो, और पूर्व दिशा में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी हुई भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है और चारों तरफ एक मनभावन शांति छाई हुई है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी, औंधी का अर्थ होता है बेटा उलट जाना, उलट देना। तो इसमें कवि ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, अचानक बोला मोर। तो कह रहे हैं कि चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है कि मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो, तभी क्या होता है, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो कवि कहते हैं तब तक ये क्या होता है, सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती हुई आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो, असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो इसको एक बार और देख लीजिए कि कवि ने इन पंक्तियों में हमें क्या बताया है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है कि मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो, फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है और सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो और जलती हुई आग क्या हो गई है, बुझ गया है और धुआं उठने लगता है, तब तक सूरज डूब जाता है, शाम हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को शाम एक किसान कविता का व्याख्या समझ में आया होगा। धन्यवाद।